नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टेंसर एनालिसिस की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। इससे पहले पार्ट में हमने आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया था। उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और क्वेश्चन कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पर। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आइडेंटिटीज़ आर ट्रू और नॉट। यहाँ पर तीन एक्सप्रेशंस लिखे हैं, आइडेंटिटीज़ लिखी हैं। अब आपको पता करना है कि ये आइडेंटिटीज़ ठीक है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इन सब आइडेंटिटीज़ में आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन का यूज़ किया गया है, उसको यूज़ करके इन एक्सप्रेशन को लिखा गया है। तो आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट आपको समझने के लिए डिटेल में आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम उस आइंस्टाइन समेशन कन्वेंशन को रिकॉल कर लेते हैं। अगर आपको इस तरीके का कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है AIJXI, तो इस एक्सप्रेशन में दो इंडेक्स यूज हुए हैं, आई एंड जी। आई को जैसा आप देख सकते हैं, आई दो बार रिपीट हुआ है, आई इंडेक्स जो है वो दो बार आ रहा है, रिपीटेड इंडेक्स है, तो इसको हम कहते हैं डमी इंडेक्स। और जो इंडेक्स एक ही बार आ रहा है जे, वो कहलाता है फ्री इंडेक्स। अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि जे आई को डमी क्यों कह रहे हैं, जे को फ्री इंडेक्स क्यों कह रहे हैं। अब देखिए, जो रिपीटेड इंडेक्स है दैट मीन्स डमी इंडेक्स है, उस पर आप समीशन रन करेंगे। ठीक है, तो AIJXI जो कि आपको लग रहा है कि ये एक टर्म है, तो ये पहली बात तो ये है कि ये सिंगल टर्म नहीं है। आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन में हम क्या करते हैं कि जो सिग्मा साइन है किसी कुछ, अगर टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं तो आप कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, सिग्मा, उस साइन को यहाँ पर हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये सिंगल टर्म नहीं है बल्कि ये एन टर्म्स का सम है। अब कौन सी एन टर्म्स का सम है, तो जो डमी इंडेक्स है, आई डमी इंडेक्स है ना, इसका मतलब आई पर यहाँ पर सम को आपको रन करना होगा, आई फ्रॉम वन टू एन AIJXI। तो ये इस, तो इससे आपको क्या मिलेगा, ये एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन मिलेगा जब आई की जगह आप वन रखेंगे, ए वन जे एक्स वन, ए टू जे एक्स टू प्लस ए एन जे एक्स एन। तो ये इन एन टर्म्स का सम है। यहाँ पर आप जे को देख सकते हैं, जे हर टर्म में फिक्स है, जे को हम क्या बोलते हैं, फ्री इंडेक्स। अब फ्री इंडेक्स इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जे जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, वन से लेकर एन तक की किसी भी एक वैल्यू को चूज़ कर सकता है, तो इसके पास काफ़ी चॉइसेज है, इसलिए इसको बोला जाएगा फ्री इंडेक्स, राइट। इट इज़ फ्री टू टेक एनी वैल्यू फ्रॉम वन टू एन। और जो रिपीटेड इंडेक्स है इसको डमी इंडेक्स कहा जाता है। डमी इंडेक्स इसको इसलिए कहा जाता है कि इस डमी इंडेक्स को आप किसी और अदर सिंबल से रिप्लेस कर सकते हैं, ऐसा इसलिए, जैसा यहाँ पर आई यूज़ किया गया, आई फ्रॉम वन टू एन, क्योंकि डमी इंडेक्स जो है वो हर वैल्यू एज्यूम करेगा, वन भी एज्यूम करेगा, टू भी एज्यूम करेगा, एन भी एज्यूम करेगा। आप आई की जगह आर यूज़ कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आर और यहाँ पर भी आर रिप्लेस कर दे, इसका मतलब आर डमी इंडेक्स है और आपको सम रन करना है आर फ्रॉम वन टू एन, तो एट द एंड आपको ये एन टर्म्स मिलेगी। तो डमी इंडेक्स जो है उसको हम किसी और अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, फ्री इंडेक्स को आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने डिस्कस किया था, और भी कई सारे रूल्स हैं तो आप पिछली वीडियो को जाकर देख सकते हैं ढंग से समझने के लिए। अब देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी को हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है AIJXI + YJ और यहाँ पर लिखा है AIJXI + AIJYJ। अगर आप इसको देखें तो कैसे राइट हैंड साइड को लिखा है इन्होंने, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करके, AIJXI + AIJYJ। जो आप रियल नंबर जब आप पढ़ते हैं, रियल नंबर्स, रियल एनालिसिस में हमने ये इस तरह की आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि A.B + C अगर दिया है तो आप उसको क्या लिखते हैं, A.B + A.C, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होने के लिए आपको क्या चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इन जनरल ये आइडेंटिटी जो है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इस XI + YJ इस तरह का अगर ब्रैकेट में एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को नहीं लिख सकते। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है इन जनरल फॉर टेंसर्स इट इज़ नॉट होल्ड। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में AIJ ब्रैकेट में लिखा है XI + YJ, तो हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ पर कौन सा फ्री वेरिएबल है और कौन सा डमी वेरिएबल है। पहले देखिए, बाहर आई और जे एक एक बार आ रहे हैं, फिर अगर आप इसमें देखें तो यहाँ पर आई आ रहा है, यहाँ पर जे आ रहा है। ठीक है, एक एक बार लिखा गया है, तो जब भी ब्रैकेट में अगर दिया हुआ है कोई टेंसर और आउटसाइड भी कुछ आपके पास टर्म्स है तो उसमें इंडेक्स को कैसे काउंट करना है, उसके लिए एक रूल है ब्रैकेट्स इन आइंस्टाइन नोटेशन। जैसे मैंने यहाँ पर एक जनरल टर्म लिख दी AIJ, अंदर लिखा है BI + CJ + DK। तो पहला क्या है, कंबाइंड टर्म्स आउटसाइड ब्रैकेट
विद ईच टर्म इन साइड ब्रैकेट सेपरेटली. अब आपको क्या करना है, कंबाइन करना है टर्म को. जैसे ए आई जे बी आई, सेकेंड टर्म हो जाएगी ए आई जे सी जे, और थर्ड टर्म हो जाएगी ए आई जे डी के. इस तरीके से आप कंबाइन कर दीजिए जो आउटसाइड द ब्रैकेट लिखी हुई है और जो इनसाइड द ब्रैकेट है वन बाय वन. तो ये मेरे पास तीन टर्म्स आ गई. फिर क्या लिखा है, फ्रॉम ईच ऑफ द कंबाइंड टर्म्स यूज़ द लार्जेस्ट काउंट ऑफ ईच इंडेक्स एज द फाइनल काउंट इन ओवरऑल टर्म. अब आपको क्या करना है, लार्जेस्ट काउंट को चूज़ करना है. तो पहले हम इंडेक्स को काउंट कर लेते हैं. जैसे इस एक्सप्रेशन में आई दो बार रिपीट हो रहा है और जे एक बार. इस एक्सप्रेशन में आई एक बार रिपीट हो रहा है, जे दो बार. इसमें आई एक बार रिपीट हो रहा है, जे एक बार और के एक बार. अब आपको कौन सा काउंट चूज़ करना है, यूज़ द लार्जेस्ट काउंट ऑफ ईच इंडेक्स. ठीक है, तो देखिए आई का मैक्सिमम काउंट क्या आ रहा है, टू. तो हम आई को फाइनल क्या काउंट देंगे, टू. जे का मैक्सिमम काउंट टू और के की मैक्सिमम वैल्यू वन. तो जो भी लार्जेस्ट काउंट है उसको आपको, जो भी ये ओवरऑल टर्म है इसका फाइनल काउंट आपको कौन सा समझना है, लार्जेस्ट काउंट. ये रूल है, ठीक है, आइंस्टाइन समीशन कन्वेंशन में. तो आई जो है वो दो बार रिपीट हो रहा है, जे दो बार और के एक बार. इसका मतलब इस एक्सप्रेशन के लिए आई और जे जो है वो तो रहेंगे डमी इंडेक्स, क्योंकि ये रिपीट कर रहे हैं अपने आप को, डमी इंडिसेस. और जो के है वो रहेगा फ्री इंडेक्स. तो इस तरीके से आपको क्या करना है, जब भी ब्रैकेट दिया है तो उसमें डमी और फ्री इंडेक्स का पता करना है. अब देखिए ये पहला आइडेंटिटी है, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड में है एक्सप्रेशन उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ए आई जे एक्स आई प्लस वाई जे. अब इसके इंडिसेज का जो नेचर है वो पता करने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले मल्टीप्लाई कर दूँगी. अब यहाँ पर जैसा कि आई दो बार आ रहा है, जे एक बार, और यहाँ आई एक बार, जे दो बार. इसका मतलब काउंट क्या हुआ, आई और जे दो दो बार. आपको लार्जेस्ट चूज़ करना है. इसका मतलब आई और जे जो है वो दोनों कैसे इंडेक्स है, डमी इंडेक्स है. डमी इंडेक्स का मतलब क्या है, इस एक्सप्रेशन में डबल सम रन होगा, आई पर भी सम रन होगा और जे पर भी. इसका मतलब ये सिंगल एक्सप्रेशन नहीं है, सिंगल टर्म नहीं है, बल्कि ये क्या है, सम आई फ्रॉम वन टू. हम फॉर एग्ज़ाम्पल एन की वैल्यू टू ले लेते हैं, ठीक है, इस एग्जाम्पल को ढंग से समझने के लिए. तो आई फ्रॉम वन टू टू, जे फ्रॉम वन टू टू, ठीक है. और फिर मैं ये एक्सप्रेशन लिख देती हूँ. मैंने डबल सम इसलिए यूज किया है क्योंकि मेरे पास दो डमी वेरिएबल है, दो डमी इंडेक्स है, राइट. अब हम जे को फिक्स रखते हैं एक बार और आई की वैल्यू वन से लेकर टू तक वेरी करते हैं, ठीक है. तो जे फ्रॉम वन टू टू, तो पहला आई की जगह वन रखते हैं, तो ए वन जे एक्स वन प्लस वाई जे. और जब आप दो रखेंगे तो ए टू जे, आई की जगह जब हम दो रखेंगे तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा. अब जे को हम वन से टू तक फिर रन करते हैं, तो पहले आप जे की जगह वन रखिए पूरे एक्सप्रेशन में, तो ए वन वन एक्स वन प्लस वाई वन, ए टू वन एक्स टू प्लस वाई वन. फिर हम क्या रखेंगे, जे की जगह टू, तो ए वन टू एक्स वन प्लस वाई टू प्लस ए टू टू एक्स टू प्लस वाई टू. तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आया, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है. आइडेंटिटी वन की जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसकी ये लेफ्ट हैंड साइड हमने कैलकुलेट की. अब हम राइट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं. तो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, ए आई जे एक्स आई प्लस ए आई जे वाई जे. आपको दो टर्म्स दी हुई है, एडिशन में दो टर्म्स दिए. इसको आप अलग से कंसिडर करेंगे, इसको अलग से कंसिडर करेंगे और फिर आपको ऐड करना है, ठीक है. फर्स्ट टर्म को देखें तो इसमें क्या है, आई दो बार रिपीट हो रहा है, आई जो है दो बार रिपीट हो रहा है. मतलब इस टर्म के लिए आई डमी इंडेक्स का काम कर रहा है और जे फ्री इंडेक्स का काम कर रहा है. सेकेंड टर्म में कौन रिपीट हो रहा है, जे दो बार रिपीट हो रहा है. इसका मतलब जे इसके लिए डमी इंडेक्स का काम कर रहा है और आई फ्री इंडेक्स का काम कर रहा है. तो आपको वो उसी तरीके से सॉल्व करना है. तो चलिए हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. तो राइट हैंड साइड के लिए ए आई जे एक्स आई प्लस ए आई जे वाई जे. फर्स्ट टर्म क्या बता रही है हमको, कि यहाँ पर सम रन होगा ओवर द वैल्यू ऑफ आई, ठीक है. तो ए आई जे एक्स आई और जे फिक्स रहेगा, और यहाँ पर जे पर रन होगा फ्रॉम वन टू टू ए आई जे वाई जे. अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं. पहला सम आई पर चल रहा है, तो आई की वैल्यू वन और टू लेकर हम लिखते हैं इसको. तो ए वन जे एक्स वन, फिर ए टू जे एक्स टू, और जे की जब आप वैल्यू रखेंगे सेकेंड एक्सप्रेशन में, तो ए आई वन y1 ai2 y2. तो आपको ये मिला, ये हमारी राइट हैंड साइड है.
अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप देखिए कितनी टर्म्स आ रही है, ए वन वन एक्स वन, ए वन वन वाई वन, इस तरीके से आपको ये टर्म्स मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर यहाँ पर आप इनको खोल कर लिखें तो हमें हमें कितनी टर्म्स मिल रही है, 8 टर्म्स मिल रही है। टोटल 4 है वैसे टर्म्स, और चारों में एडिशन दो दो पेयर में आपने लिखा है, तो टोटल 8 टर्म्स मिल रही है। लेकिन यहाँ पर आपको 4 ही टर्म मिल रही है। यहाँ पर देखिए जे जो है, अब जे यहाँ पर क्या है, इन दोनों के लिए ये फ्री वेरिएबल है, यहाँ पर आई फ्री वेरिएबल है। तो आप अपने हिसाब से, जे हो सकता है आपको 1 दिया हो और आई क्या दिया हो, 2 दिया हो, तो ये एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट होगा, ए वन वन एक्स वन, ए टू वन एक्स टू। तो ए वन वन एक्स वन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन ए वन वन, तो मैं ये वैल्यू लेके एक बार कंपेयर करके आपको बताती हूँ, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ए वन वन एक्स वन, ए टू वन एक्स टू, फिर आई को हम 2 रख रहे हैं, तो ए टू 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 वन सॉरी ए टू वन वाई वन प्लस ए टू टू वाई टू। अब देखिए ये 4 टर्म्स मिली है, तो ये 8 टर्म्स तो जनरेट नहीं हो रही, जैसा कि ए वन वन वाई वन ये इस पूरे एक्सप्रेशन में कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, ए टू वन एक्स टू, तो ए टू वन एक्स टू तो आ रहा है, लेकिन ए टू वन वाई वन भी ठीक है, ये भी आ रहा है, लेकिन ए वन टू एक्स वन नहीं आ रहा। ठीक है, ए वन टू वाई टू नहीं आ रहा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कुछ टर्म्स मिसिंग है, तो जो पहली वाली आइडेंटिटी है वो सही नहीं है। इसका मतलब टेंसर एनालिसिस में आप इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकते इन जनरल। ठीक है, हम आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे कि कब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कब होल्ड होगा, जब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स लिखी है आपने, तो उसमें ये इंडेक्स मैच करने चाहिए। मतलब अगर दिया होता ए आई जे एक्स आई प्लस वाई आई, अगर इस तरीके से दिया होता, ये इंडेक्स अगर सेम होते इनसाइड द ब्रैकेट, तो फिर आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वहाँ पर होल्ड होता। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अलग अलग दिए तो आप इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है, सेकेंड पार्ट में आपको दिया है ए आई जे एक्स आई वाई जे, ए आई जे वाई आई एक्स जे। मतलब यहाँ पर क्या किया है, ये कॉन्स्टेंट तो सेम है, दोनों जगह यूज़ हो रहा है, एक्स आई वाई जे है, यहाँ पर x के साथ i इंडेक्स यूज़ किया है, यहाँ x के साथ j इंडेक्स यूज़ किया है, यहाँ y के साथ j है, यहाँ y के साथ i है। मतलब इनके इंडेक्स को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, एक्सचेंज कर दिया है i को j से। तो क्या ये दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेंगे या फिर इनकी वैल्यूज़ में फ़र्क आएगा, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को कवर करते हैं, तो यहाँ पर लिखा गया है ए आई जे एक्स आई वाई जे, क्योंकि आई भी रिपीटेड इंडेक्स है और जे भी रिपीटेड इंडेक्स है, इसका मतलब यहाँ पर डबल सम होगा ए आई जे एक्स आई वाई जे, आई फ्रॉम 1 to 2 एंड जे फ्रॉम 1 to 2। अब हम वन बाय वन वैल्यूज़ रखेंगे आई और जे की, और फिर इस एक्सप्रेशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, पहले आई की जगह 1 रख लेते हैं, ए वन जे एक्स वन वाई जे, ए टू जे एक्स टू वाई जे। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जे की वैल्यू 1 रखते हैं, तो ए वन वन एक्स वन वाई वन, ए टू वन एक्स टू वाई वन। अब हम जे की जगह 2 रखते हैं, ए वन टू एक्स वन वाई टू, ए टू टू एक्स टू वाई टू। तो ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। अब आपको क्या ध्यान देना है, वैसे भी देखो ये एक टर्म दी हुई थी, यहाँ पर सम रन होगा आई और जे दोनों की पॉसिबल वैल्यूज़ पर। ठीक है, तो अगर n n पॉसिबल वैल्यूज़ है, तो टोटल आपको एट द एंड कितनी टर्म्स मिलेगी, n टाइम्स n, n स्क्वायर। अभी यहाँ पर हमने n की जगह 2 लिया है, तो हमको लास्ट में कितनी टर्म्स मिलेगी, 4। तो यहाँ पर आपको 4 टर्म्स आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में आपको दिया है ए आई जे वाई आई एक्स जे, यहाँ पर भी i 2 बार रिपीट कर रहा है, j 2 बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब डबल सम है ये भी। ठीक है, अब हम पहले i को फिक्स कर दे, i की वैल्यू को वेरी करते हैं, j को फिक्स रखते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, ए वन जे वाई वन एक्स जे, फिर ए टू जे वाई टू एक्स जे। अब हम जे की वैल्यूज़ को वेरी करेंगे, तो ए वन वन वाई वन एक्स वन, ए टू वन वाई टू एक्स वन, फिर हम जे की जगह 2 रखेंगे, ए वन टू वाई वन एक्स टू प्लस ए टू टू वाई टू एक्स टू। अब आप इनको कंपेयर करिए, ए वन वन एक्स वन वाई वन, तो ये फर्स्ट टर्म तो मैच कर रही है। अब यहाँ पर वाई वन एक्स वन लिखिए या एक्स वन वाई वन, ठीक है, तो वो तो कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। ठीक है, बेसिकली आप दो वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो ठीक है। यहाँ पर ए टू वन, मतलब किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, ए टू वन एक्स टू वाई वन है ए टू वन के साथ, तो मेरे पास ए टू वन के साथ क्या है, वाई टू एक्स वन, यहाँ पर एक्स टू वाई वन है,
तो वो मैच नहीं कर रहा है, ये वाली टर्म, ठीक है। फिर ए वन टू के साथ क्या है, एक्स वन वाई टू और यहाँ पर वाई वन एक्स टू है, मतलब वेरिएबल ही चेंज हो गए, तो ये वाली टर्म भी मैच नहीं कर रही है। फिर फोर्थ टर्म तो मैच कर रही है, मतलब दो टर्म्स इसमें मैच कर रही है, दो मैच नहीं कर रही। आप देख सकते हैं मैच कब कर रहा है, जब सबस्क्रिप्ट सेम है, इसलिए वो मैच कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर इस आइडेंटिटी में जो लिखा हुआ है वो भी करेक्ट नहीं है। तो आपको ध्यान देना है कि ए आई जे एक्स आई वाई जे, तो यहाँ पर आप इंडेक्स जो है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, ऐसे एक्सचेंज नहीं कर सकते, एक्स आई के साथ आ रहा है, ठीक है। अगर आप एक्सचेंज कर रहे हैं तो फिर कंप्लीट यहाँ भी करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि डमी इंडेक्स को आप किसी और अदर वेरिएबल से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हैं कि यहाँ हम आई को जे से लिख रहे हैं, जे को आई से लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपने कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं किया है। आपने यहाँ पर क्या किया, ए आई जे को तो सेम रखा है और वाई में और एक्स आई और वाई जे के लिए आपने इंडेक्स को रिप्लेस किया है। तो अगर आपको रिप्लेस करना भी है तो आप कंप्लीट रिप्लेस करेंगे। अगर आप आई को जे से और जे को आई से कर रहे हैं तो ए में भी तो फ़र्क आएगा, ये भी क्या हो जाएगा ए जे आई, और फिर होगा एक्स जे और वाई आई। तो ये करेक्ट है, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है, लेकिन इधर क्या लिखा गया, ए आई जे को तो कॉन्स्टेंट को तो सेम रखा गया और वेरिएबल के जो कंपोनेंट है उसमें आपने इंडेक्स को चेंज किया है। तो ये मतलब आपने पार्शियली रिप्लेसमेंट किया है, पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन को, पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन में इंडेक्स को रिप्लेस नहीं किया है, तो वो करेक्ट नहीं है। अदरवाइज डमी वेरिएबल को किसी और इंडेक्स से आप रिप्लेस कर सकते हैं तो वो करेक्ट होता, लेकिन यहाँ वजह कुछ और है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। ए आई जे प्लस ए जे आई एक्स आई वाई जे इस एक्सप्रेशन के इक्वल है या नहीं, दैट मीन्स यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, एक्स आई वाई जे ये वेरिएबल के कंपोनेंट है वो तो सेम है, ए आई जे प्लस ए जे आई क्या हम इसको टू ए आई जे से रिप्लेस कर सकते हैं या नहीं। तो ये तो देखने से ही लग रहा है कि ये तो नहीं होना चाहिए, क्यों ऐसा, क्योंकि ए आई जे प्लस ए जे आई अगर ये कंपोनेंट सेम है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टू ए आई जे के इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर इफ़ ए वन टू इज़ नॉट इक्वल टू ए टू वन तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, अलग आएगा। अगर आपको इस तरह की आइडेंटिटी पूछी जाती है एग्ज़ाम में तो फिर आप जनरल करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या लिखेंगे, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए क्योंकि ब्रैकेट का यूज़ हुआ है, आप क्या करेंगे वन बाय वन टर्म्स को देख लेंगे कि कौन सा इंडेक्स कितनी बार आ रहा है। तो यहाँ पर दो टर्म्स है ए आई जे एक्स आई वाई जे और सेकेंड टर्म्स जो है सेकेंड टर्म एक्स आई वाई जे, तो आई भी रिपीट हो रहा है सेकेंड टर्म में, आई और जे दोनों रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी आई जे दोनों रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आई और जे बोथ आर डमी इंडेक्स, ठीक है। तो फिर यहाँ पर समेशन रन होगा ओवर द वैल्यू ऑफ आई एंड ओवर द वैल्यू ऑफ जे। अब आप क्या कर सकते हैं, एन को टू ले सकते हैं ताकि हम इजीली सॉल्व कर पाए, इसलिए मैं आपको एन की वैल्यू दो लेके बता रही हूँ इनको सॉल्व करना, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है फॉर एन इक्वल टू थ्री फोर तो आपको वही वैल्यू को यूज़ करना होगा, अदरवाइज आप अपने से चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दो के लिए कर रहे हैं, तो पहले हम J को तो फिक्स रखते हैं और I को हम चेंज करते हैं, वेरी करोगे आप तो ए वन जे ए जे वन एक्स वन वाई जे और यहाँ पर ए टू जे प्लस ए जे टू एक्स टू वाई जे, ठीक है, इतना हो गया। फिर हम J की वैल्यू को वेरी करेंगे तो ए वन वन एक्स वन वाई वन, पहले हम जे की जगह वन रख रहे हैं पूरे एक्सप्रेशन में, तो अब मैं सेकेंड टर्म में एक्स टू वाई वन, ये हो गया वन रखने पर, ये दोनों टर्म्स मिलेंगी आपको जब जे की जगह वन रखेंगे। अब जे की जगह टू रखेंगे तो इन दोनों टर्म्स में क्या चेंज होगा, तो पहली टर्म हो जाएगी ए वन टू प्लस ए टू वन एक्स वन वाई टू और दूसरी टर्म में क्या होगा, सॉरी ए टू टू प्लस ए टू टू एक्स टू वाई टू, ठीक है, ये इस तरीके से चेंज होगा। अब ये तो रहा लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एक्सपेंड करने के बाद, ठीक है। अब राइट हैंड साइड को देखिए, तो इसमें लिखा है टू ए आई जे एक्स आई वाई जे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आई डमी इंडेक्स है, जे भी डमी इंडेक्स है, तो यहाँ पर फिर से सम रन होगा ओवर द वैल्यू ऑफ जे एंड आई, आई फ्रॉम वन टू टू ए आई जे एक्स आई वाई जे, क्योंकि सम रन हो रहा है आई और जे पर तो टू कॉन्स्टेंट है इसलिए हमने बाहर कर दिया है। अब हम पहले आई को वेरी करते हैं, आई को वेरी करने से आपको दो टर्म्स मिलेगी ए वन जे एक्स वन
वाई जे प्लस ए टू जे एक्स टू वाई जे। अब हम जे की वैल्यू 1 और 2 रखेंगे तो आपको पहली टर्म क्या मिलेगी जब 1 रखने पे, 2 ए 1 1 एक्स 1 वाई 1 ए 2 1 एक्स 2 वाई 1, और फिर 2 रखने पे ए 1 2 एक्स 1 वाई 2 प्लस ए 2 2 एक्स 2 वाई 2। इस तरीके से आपको टर्म्स मिलेंगी, ठीक है। अब आप राइट हैंड साइड से कंपेयर कर लीजिए, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड से आप कंपेयर करिए। यहाँ पर देखिए a11 वन वन प्लस ए वन वन एक्स वन वाई वन, इसका मतलब तो क्या हुआ 2a11 एक्स वन वाई वन, तो ये देखिए 2a11 एक्स वन वाई वन, ये टर्म्स तो मैच कर रही है। फिर आपके पास क्या है a21 एक्स टू वाई वन और a12 एक्स टू वाई वन, तो इसको देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ, एक्स टू वाई वन के साथ क्या है x2y1, ये है, आगे कहीं और नहीं आ रहा। तो x2y1 का कोफिशेंट क्या है 2 टाइम्स a21, ठीक है, तो वो तो सेम जरूरी नहीं है हो, 2 टाइम्स a21 तो ये तभी आएगा जब a21 और a12 क्या हो, सेम हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था कि ये तभी आइडेंटिटी ट्रू रहेगी अगर aij किसके इक्वल हो aji के, तो ये टर्म जो है ये मैच नहीं कर रही, ये वाली टर्म, राइट। इन द सेम वे x1y2 के साथ कोफिशेंट है यहाँ पर a12 a21 और यहाँ पर x1y2 के साथ कोफिशेंट है 2a12, तो ये फिर अगेन प्रॉब्लम कर रही है। यहाँ पर a22 प्लस a22 है, इनको आप ऐड करके लिख सकते हैं 2a22, तो वो मैच कर रही है, ठीक है। जब सेम इंडेक्स है तो मैच कर रही है, तो अगेन ये आइडेंटिटी भी फॉल्स है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।